नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सुल्तानगंज अगवानी घाट निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर गिरने की घटना को लेकर पथ निर्माण विभाग एक्शन में आ गया। बताया जा रहा है कि इस पुल के निर्माण में लगी कंपनी सिंगला को काली सूची में डालने का नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर निर्माण एजेंसी को अपना पक्ष रखने को कहा गया है। वहीं इस दौरान पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि SP सिंगला एजेंसी को नोटिस देकर उनसे रिपोर्ट मांगी गई है और अगवानी घाट साइट में बचे एक और स्पेन को तुरंत तोड़ने को कहा गया है। साथ ही एजेंसी को गंगा में गिरे पुल के मलबे को 15 दिनों में निकालने को कहा गया है। बता दें कि विभाग द्वारा खगड़िया में इस पुल का निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग को लेकर तैनात कार्यपालक अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। उनकी जगह नए कार्यपालक अभियंता को भेज भी दिया गया है, जबकि वहां तैनात सहायक अभियंता को भी हटाने का निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि एजेंसी को काली सूची में डाले जाने के बाद आने वाले समय में सिंगला को बिहार में किसी तरह की निविदा में शामिल होने से वंचित कर दिया जाएगा। वहीं विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि पुल के निर्माण को लेकर जल्द ही DPR के लिए एजेंसी तय की जाएगी। साथ ही सरकार के अधीन बिहार में जितने पुल हैं उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाएगा। भागलपुर नगर निगम में मंगलवार को दूसरी बार जनता दरबार लगाया गया, जिसमें शहर के विभिन्न वार्डों से फरियादी अपनी समस्या लेकर निगम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने एक एक कर वहां मौजूद फरियादियों की समस्या सुनी और उसके समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। बता दें कि जनता दरबार में आए ज्यादातर समस्या शुद्ध पेयजल, वृद्धा पेंशन, अतिक्रमण से जुड़े हुए थे। वहीं महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने बताया कि यह उनका दूसरा जनता दरबार है, जिसमें लोग अपनी समस्या लेकर पहुंच रहे हैं और उसका निदान भी एक सप्ताह के अंदर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिकायत करने के बाद फरियादी को निगम कार्यालय आने की ज़रूरत नहीं है। सभी शिकायतकर्ता को मोबाइल से समस्या के निपटारे से संबंध जानकारी मैसेज द्वारा भेज दी जाएगी। भागलपुर में एक तरफ जहां सड़क दुर्घटना से बचाव को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आए दिन वाहन चालकों के द्वारा लापरवाही का मामला सामने आता रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब सरकारी बाबू के गाड़ी ने ही आज सड़क पर चल रही महिला को जोरदार टक्कर मार दी। दरअसल नवगछिया के कतवा ओपी की रहने वाली महिला पूजा कुमारी भागलपुर आदमपुर के पास निजी क्लिनिक से अपने बच्चे का जांच रिपोर्ट लेने जा रही थी, तभी जिला सहकारिता विभाग के स्कॉर्पियो गाड़ी ने महिला को ठोकर मार दी। इससे महिला को पैर में गंभीर चोटें आई हैं और ठोकर मारने के बाद वाहन चालक मौके से गाड़ी लेकर निकलते बने, जबकि इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने सरकारी बाबू के वाहन चालक को जमकर खरी खोटी सुनाई। फिलहाल महिला को इलाज के लिए पास के निजी अस्पताल में लाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। दुर्घटना का गाड़ी में सट गई थी, थोड़ा पैर में उसका खरोच लग गया। अच्छा, अभी उनको इलाज के लिए लाया? हाँ, इलाज के लाए हैं। उसका थोड़ा सा बैंडेज वेंडेज हो जाएगा, डॉक्टर को दिखा दिए हैं। गाड़ी किन की है? गाड़ी किन की? वो गाड़ी है ऑपरेटिव विभाग के। अच्छा, किस रैंक के अधिकारी हैं? क्या है? वो DCO हैं। DCO? हाँ। क्या नाम है? नाम है अमजद हयात। अमजद हयात। भागलपुर के विशेष केंद्रीय कारा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि पति से मिलने गई पत्नी ने पति का चेहरा देखते ही दम तोड़ दिया। दरअसल भागलपुर के गोगा गोविंदपुर निवासी स्वर्गीय राजेश प्रसाद यादव के पुत्र गुड्डू यादव की शादी 2 वर्ष पहले गोगा जानीढी की रहने वाली पल्लवी यादव से हुई थी, जबकि पल्लवी यादव 8 महीने की गर्भवती भी थी और चिकित्सकों द्वारा 27 जून को डिलीवरी का डेट भी दिया गया था। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले विक्की यादव और गुड्डू यादव के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें 107 के तहत गुड्डू यादव को जेल हो गई थी। जमीन विवाद में गुड्डू यादव विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर में 8 महीने से कैद था। वहीं विशेष केंद्रीय कारा में पति से मिलने गई पल्लवी पति को देखते ही बेशुद्ध होकर गिर गई। तभी आनंद फानंद में महिला को मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना को लेकर गुड्डू के भाई विक्की यादव का कहना है कि पुलिस की मनमानी के चलते उसकी भाभी की जान गई है। उसके भाई को पुलिस ने पैसे लेकर जबरन जेल भेज दिया, क्योंकि विपक्ष पैसे वाले हैं। देखने के बाद भैया को देखी बात की, अचानक गिर गई। उसके बाद ऐसा किस मामले में जेल गए? 307 जमीनी विवाद में मारपीट हुआ था। किससे मारपीट हुआ? विनोद यादव से मार हुआ था, और उसमें पुलिस जो है इनको जेल भेज, दोनों पट्टी से कार्रवाई हुआ था, आवेदन दोनों पट्टी से डलाया था। हाँ। धारा दोनों पट्टी सेम था, सिर्फ 307 उधर नहीं लगा था। हाँ। बाकी सब धारा लगा हुआ था। हाँ। इसी में हम लोग को अंदर कर दिया गया, उसको
छोड़ दिया गया। आज भाभी को क्या कैसे गई भैया से मिलने अचानक वहीं पे कैंप जेल में। कैंप जेल में हाँ भैया से मिलने के बाद हुआ है। हाँ मिल जब बात करते करते हो गया। भागलपुर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष बिहार से पूर्व विधायक गोपालगंज राजू तिवारी आज अंग की धरती भागलपुर पहुंचे, जहां पार्टी की ओर से फूलमाला एवं पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान 2024 की तैयारी को लेकर कई प्रखंडों से आए कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को उन्होंने कई बिंदुओं पर वार्ता कर कहा कि उनकी पार्टी किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि वह पूर्ण रूपेण भ्रष्ट है और वह बिहार को बर्बाद कर चुके हैं। 2024 का चुनाव वे लोग भारी बहुमत से जीतेंगे और बिहार को नया स्वरूप देंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार जब से महागठबंधन की सरकार में गए हैं तब से और भी भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। इसका जीता जागता नमूना सुल्तानगंज अगवानी पुल का ताश के पत्ते की तरह जलमग्न हो जाना है। इस दौरान जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष अमर कुशवाहा, प्रदेश महासचिव संगीता तिवारी, प्रदेश महासचिव अभिषेक आनंद, प्रदेश उपाध्याय प्रभारी सुरेश भगत के अलावे कई अधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। आज की बैठक हमारे संगठन के ऊपर है और हम लोग हर जैसे हमारे यहाँ 9 प्रखंड है, 3 हमारा नगर पंचायत है, 1 नगर परिषद है और 1 नगर निगम है, तो लगभग और 171 पंचायत है, तो सब हमारे प्रखंड के अध्यक्ष और सभी हमारे जिला पद के कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की आज हमारे उपस्थिति हुई है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि सभी प्रकोष्ठ अब विशेषकर महिलाओं जो महिला टीम है सब लोग का आज उपस्थिति हुआ है। अपने भागलपुर में संगठन मेरा बड़ा शानदार है, आज तो पिछली बार के बनस्पति इस बार बहुत अच्छा बहुत शानदार बढ़ रहा है और हम उम्मीद करेंगे कि बिहार के आज सबसे बढ़िया जिलों में भी भागलपुर के संगठन, यहाँ पर महिलाओं की हिस्सेदारी ज़बरदस्त है और यहाँ पर चिराग पासवान का जी का जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन है उसके प्रति लोगों को और जुड़ रहे हैं, हमारे पार्टी में हमारे नेताओं से संपर्क करके लोग स्वतः जुड़ रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्थित स्विमिंग पूल में तैरने के दौरान सारिक की मौत हो गई थी, इसको लेकर अब पुलिस एक्शन में दिख रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस स्विमिंग पूल में हादसे के दौरान वहां मौजूद लोगों की बाकायदा सूची बनाकर उनसे भी बयान लेने की कवायद शुरू कर दी है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है ताकि हादसे को लेकर संशय की तमाम स्थिति समाप्त तो हो सके। वहीं प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर से स्विमिंग पूल में हुई सारिक की मौत में कथित तौर पर बरती गई लापरवाही का पता पूछताछ कर मौके पर मौजूद ट्रेनर, काउंटर कर्मी, सुरक्षा कर्मियों, कर्मचारियों से लगा रही है। वहीं घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सारिक ने काउंटर पर बैठे स्टाफ को बताया था कि उसे तैरना आता है, जबकि उसके साथ स्विमिंग पूल में उतरे अन्य 6 साथियों ने भी जानकारी दी थी कि वे लोग सब तैरना जानते हैं और उनमें सारिक समेत 3 ने सुरक्षा बचाव वाली ट्यूब भी ली थी। वहीं इसको लेकर ट्रेनर ने बताया कि स्विमिंग पूल में मस्ती के दौरान सारिक ने कप ट्यूब हटा ली थी, जिससे सारे दोस्तों में से एक खालिद की नज़र डूबते सारिक पर पड़ी, जिसके बाद उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनते ही ट्रेनर समेत अन्य स्टाफ उसे निकालकर पानी निकालने का प्रयास किए और आनन फानन में तेजी से अस्पताल ले गए, जहाँ उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। कल की घटना से हम लोग थोड़ा नर्वस हो गए हैं, वहाँ स्विमिंग करने का डर लग रहा है और वहाँ जो स्विमिंग करने जाते हैं तो वहाँ जो है ना एक ट्रेनर रहना चाहिए, ट्रेनिंग करने के लिए कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए और फिर सिखाने वाला रहना चाहिए, जैकेट रहना चाहिए और वहाँ आजकल थोड़ा अब जो है अब आदमी जाने के लिए थोड़ा सा नर्वस हो जाए कि स्विमिंग करने जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, इसलिए वहाँ ट्रेनर रहना चाहिए कि स्विमिंग ऐसे करना है ऐसे करना। लोग आए थे कि यहाँ पर खुला होगा तो स्विमिंग वगैरह करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो लॉक लगा हुआ है तो इसलिए अभी ऐसे देख ले बाहर से ऐसा है। पहले कभी आए थे स्विमिंग के? नहीं नहीं पहले तो नहीं आए थे यहाँ पे। क्या कारण हो सकता है? पता नहीं है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जाने क्या है इसका कब से ओपन होगा या अभी स्टार्ट हुआ है कि नहीं। सुल्तानगंज पुल हादसे को लेकर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य, बांका जिला प्रभारी राजकुमार सिंह एवं जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक बार आंधी में पुल का हिस्सा गिरा और फिर दोबारा रविवार को भी यही हाल रहा, जबकि बिहार सरकार को 3 बार इसकी जानकारी 13 मई, 29 जून एवं 2 अगस्त 2022 को लिखकर दी गई थी,
लेकिन अधिकारी और निर्माण कंपनियों के बीच समझौते के परिणाम के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि अधिकारियों के माध्यम से एसपी सिंगला कंपनी ने मोटी रकम कई अफसरों तक पहुंचाई, इसके बाद जांच बंद हो गई। जबकि पथ निर्माण के प्रधान सचिव को भी 29 जून 2022 को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन सभी एजेंसी को बचाने में लगे रहे, इसलिए कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की गई। आलम यह हुआ कि फिर से पोल ढह गया। इस दौरान विनोद सिन्हा, कुमार श्रवण, प्राणिक वाजपेयी, प्रकाश साह, विनीत भगत मौजूद रहे। प्रधान सचिव पथ निर्माण को पत्र दिया और कहा कि सुल्तानगंज के अगवानी घाट में बन रहे पुल में भारी अनियमितता बरती गई है और पुल गिर गया है, इसका उच्च स्तरीय जाँच हो। जब उनके कान पर जू नहीं रेंगा तो पुनः मैंने उनको पत्र दिया 29 जून 2022 को, और उसी तरह मैंने फिर उनको फिर कान पर जू नहीं रेंगा तो मैंने फिर उनको पत्र दिया 2 अगस्त 2022 को। ये परिस्थिति है विधिवत, उसका रिसीविंग वगैरह जो आप लोग के सामने है देखिए। बोल लीजिए संतोष जी, ये देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ का जो है रिसीविंग सब है। ये रिसीविंग है माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ का। अब नीतीश कुमार का जी का जो मंगल राज है वो मंगल राज यही है। मंगल राज आज भ्रष्टाचार प्रचंड है, भ्रष्टाचार का उदाहरण हुआ कि कल रात में जो घटना घटी है वो अद्भुत घटना है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके साथ जो साथी हैं, चूँकि आपको उसका असर पड़ गया है, आप 74 आंदोलन के ऊपर जरूर थे परंतु आप पर जो जंगल राज के लोगों का पूरा असर हो गया, जो एजेंसी बार बार, मैं तो कह रहा हूं कि इसके पहले ये जो पुल बन रहा था ये कोसी नदी पर पुल, उसमें भी पुल गिरे थे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।